अध्यापक द्वारा रात्रि प्रहरी की अवैध तरीके से बहाली को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। उजियारपुर प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय महिसारी में रात्रि प्रहरी की बहाली प्रधानाध्यापक द्वारा अवैध तरीके से किए जाने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश का माहौल पैदा हो गया है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं अन्य शिक्षकों के मिली भगत से ग्रामीणों को बिना सूचना दिए प्रधानाचार्य एवं धूर्त कमेटी के मेंबर कुछ पैसों के लेन देन कर अपने माध्यम से नियुक्त करने को सोच रहे हैं। वहीं प्रधानाचार्य अरुण कुमार का कहना था कि ग्रामीणों से इसकी जानकारी दी गई थी तथा शिक्षा समिति की बैठक भी हुई थी। बैठक में सभी ग्रामीणों को बताया गया था इसकी सूचना मांगने पर दीवार पर चिपकाने की बात कही गई और यह भी बताया गया कि बाउंड्री छोटा होने के कारण लोगों द्वारा आकर फाड़ दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि इसकी तस्वीर खींचकर एडीओ सुरेश द्वारा अधिकारी को भेज दिया गया था तथा 14 दिनों के आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई थी। यहाँ पर कौन चीज का बहाली हो रहा? बहाली का वैकेंसी 7 रोज पहले निकला हुआ था विभाग का निर्देशानुसार रात्रि प्रहरी के लिए। रात्रि प्रहरी के लिए तो क्या इसमें हुआ जो ग्रामीणों ने आप विरोध कर रहे हैं? आज की तारीख तक एक भी आवेदन नहीं आया और ग्रामीणों ने कहा कि हम लोगों को कोई सूचना नहीं किया दिया गया है और ग्रामीणों के सभी लोगों के कहने पर 14 दिन का आवेदन देने का तिथि बढ़ा दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि आप कुछ पैसों के लिए जो है सो अपने मन से बाहर आवेदन आया ही नहीं तो पैसा की बात कहाँ से उठती है, किसने दिया नहीं दिया, ये सब अनर्गल आरोप है। सूचना पट इसका लगाया गया? सूचना पट लगाया गया था 7 रोज पहले गया था दीवार के ऊपर। बाउंड्री छोटा है इस वजह से लोग अंदर घुस करके सूचना फाड़ दिया गया। अंदर वाली सूचना को डीपीओ एपीओ सुरेश बाबू फोटो खींच करके ले गए हैं, परसों जिला को भेज दिया गया। अच्छा तो अभी आप जो है सो इस बहाली का क्या किया? 14 दिन के लिए डेट बढ़ा दिया गया आवेदन देने की, एक भी आवेदन अभी तक जमा नहीं हुआ है। ग्रामीणों द्वारा एक भी आवेदन नहीं दिया गया? एक भी आवेदन नहीं दिया गया और आप बात कर रहे हैं, आपके द्वारा भी देखा गया, रजिस्टर का अवलोकन किया गया है, एक भी आवेदन। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक किसी को सूचना नहीं दिया गया है। सूचना देने का कार्य विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक करके किया गया था। सारे विद्यालय शिक्षा समिति के मेंबर को कहा गया था। अब विद्यालय शिक्षा समिति के मेंबर और ग्रामीणों में क्या कम्युनिकेशन गैप है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपका नाम? अरुण कुमार। आपका पद? प्रधानाध्यापक। आप लोग जो यहाँ एकजुट हुए हैं और क्या कारण है जो यहाँ इतना हंगामा हो रहा है? सवेर में एक सूचना मिली कि जो यहाँ रात्रि प्रहरी की बहाली है। अच्छा, तो वहाँ ग्रामीण लोगों का कहना है कि हम लोग को सूचना नहीं मिली है, तो हम लोग यह स्कूल पर पहुँचे हैं कि आप जो है से सूचना क्यों नहीं ग्रामीण लोगों को मिला। उस पर जो है प्रधानाध्यापक का कहना हुआ कि हमने शिक्षा समिति की जो बैठक करके एक बोर्ड मेंबर होते हैं उनको सूचना दी गई कि आप ग्रामीण लोगों को कहिए। जब हम लोग ग्रामीण लोग उस जो है मेंबर के पास गए तो उनका कहना हुआ कि हमको पता ही नहीं है कि कब बैठक हुई या हमको सूचना देने के लिए नहीं कहा गया। तो आप लोग को सूचना नहीं दिया गया था? नहीं, किसी को नहीं। और सर के माध्यम से पता चला है कि आपके जो सूचना पट लगाया गया था? सूचना पट लगाया गया था तो स्टूडेंट के लिए लगाया गया था कि आम पब्लिक के लिए लगाया गया था? आम पब्लिक को यहाँ आना वर्जित है, वर्जित है। आपका नाम? रामचंद्र राय। वार्ड? वार्ड 8। घर?